हे इट्स नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हैंगओवर ऑफ मी आर्ट्स तो आज की वीडियो में क्या होने वाला है मैं इतना सर्च धर्च के क्यों बैठी हूँ आप लोगों ने पता लगा लिया होगा बिकॉज आप लोग इतने समझदार है टाइटल और थंबनेल से पता लगा लेते हैं तो हाँ आप लोगों का वेट खत्म होता है जो मैं इतने दिन से बोल रही थी कि आपको अपनी आर्ट्स दिखाऊंगी 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 फाइनली आज वो दिन आ गया है जो मैं आपको अपनी आर्ट्स सिखाऊँगी वो मेरी अभी तक की आर्ट्स होंगी जो मैंने अभी तक बनाई है मुझे भी नहीं पता वो कब से है कब तक की है सब कुछ मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताती रहूँगी साथ के साथ आपको दिखाती भी रहूँगी तो चलो स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले एक ज़रूरी काम प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अभी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन भी दबा देना जिससे मेरी तुरंत वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए सो so, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत बोलो और शेयर भी कर देना सबके साथ सो so, स्टार्ट करते हैं वीडियो को आई यू गाइज रेडी सो गाइज ये मेरी ड्राइंग है जब मैं नाइन्थ क्लास में थी तब मैंने स्टार्ट किया था कि मुझे स्केचिंग करनी है बट मुझे इतने अच्छे से आता नहीं था ये भी देखो आप ये फेस और ये आ, ये आंखें कहीं जा रही है नोज़ और ये लिप्स कहीं आ रहा है तो मुझे इतना अच्छे से आता नहीं था बट मैं ट्राई करती थी कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा सीखना है फिर ये बनाई थी मैंने सोनू सूद सर की अभी कुछ टाइम पहले कुछ टाइम पहले नहीं आई थिंक इसे एक डेढ़ साल हो गया है तब भी मुझे नहीं आता था इतना नहीं आता था थोड़ा वो सीख रही थी मैं बट ये पेपर भी ना मैंने आइवरी शीट यूज़ किया था तो इस पर अच्छे से पेंसिल यूज़ नहीं हो पाती थी मुझे पता ही नहीं था बाकी मैंने ये चारकोल का यूज़ किया है इनको देख के आप लोगों को पता चल सकता है कि मेरे को ना पहले नहीं आता था यार ये श्री देवी मैम का मैं बना रही थी बट आंखों से लग भी जाएगा कि हाँ ये वो ही है बाकी का कुछ भी मैच नहीं होगा लिप्स बहुत ज़्यादा अलग बना के रखे मैंने और ये नोज़ में अभी अभी मैं मुझको कोई बोलेगा कि इसमें क्या क्या कमी है तो मैं खुद से बता दूंगी कि नोज़ में है लिप्स में है और बाल ऐसे नहीं होते हैं अभी सेकंड दिखाते हैं ये मैंने एक रैंडम का बनाया था ये देखो इसकी नोज़ देखो मतलब तो मुझे आता ही नहीं था नेक्स्ट मुझे खुद को हंसी आती है कि मैंने बनाए हैं जन्नत मैम को बना रही थी मैं यार ये तो मत ही देखो आप बहुत ज़्यादा अलग है <laughs> और फिर ये ऐश्वर्या राय मैम का बट यार मुझे जितना आता था मैं उतना बनाती थी ट्राई करती थी ये नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा तो मैं छोड़ देती थी नहीं मैं यार मैं ट्राई करती थी अभी कोई मुझसे पूछेगा कि इसमें कितनी कमी है तो मैं बोलूँगी इसमें बहुत सारी कमी है पहले हाँ आँखों का चलो ठीक है आँखें मुझे फिर भी आती थी बट इतनी अच्छे से नहीं है जितनी होनी चाहिए लिप्स नहीं है फेस बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है गर्दन अकॉर्डिंग टू फेस बहुत ज़्यादा मोटी है और ये देखो ये मैंने दीपिका मैम की बनाई थी भाई सच में यार मैंने दीपिका मैम की ट्राई की थी बट इसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वर्क करना था मुझे नहीं आता था इसीलिए मुझे नहीं पता था और मुझे कोई ऐसा भी नहीं था कि जो मुझे गाइड कर सके कि ये उस टाइम पर स्कूल टाइम स्कूल टाइम की बात है जब ये मैंने ड्रॉ किया था तो कोई था ही नहीं ऐसा भी फिर मैंने थोड़ा थोड़ा अपना वर्क थोड़ा चेंज करना शुरू किया थोड़ा डिटेलिंग वाला किया ये पहले के अकॉर्डिंग फिर भी ठीक है बट इतना अच्छा नहीं है जितना हो सकता था ये अभी कोई मुझसे पूछेगा कि इसकी ये जो डेप्थ होती है जो ये झुर्रियाँ होती है, वो ऐसी होता है, होती है क्या मैं नहीं यार क्योंकि हमेशा कभी लाइनिंग में नहीं दिखाई जाती है ये सब चीज़ें और मैंने वो ही कमी कर रखी है और इनकी जो ये दाढ़ी है वो तो बहुत ही ज़्यादा अलग है दिखाते हैं आगे दिखाते हैं आप लोग हंसते जाओ देखते जाओ ये एम एस धोनी सर का इसमें शेडिंग अच्छे से नहीं की बिकॉज तब तक मुझे पता ही नहीं था कि ब्रश का भी यूज़ हो सकता है फिर इनके बाल हैं और इनकी दाढ़ी मुछे और यहाँ पे मैंने शेड ही नहीं की और नाक देखो यहाँ से बिल्कुल ऐसे ट्रेंगल मतलब वी बन गई है ये काश मुझे उस टाइम पे थोड़ी और अच्छे से ड्राइंग आ जाती फिर ये नेक्स्ट मेरे भाई का है जो कि बिल्कुल भाई जैसा नहीं लग रहा है ठीक <laughs> है तो यार थोड़ी शेड डाल दी थी फिर भी बेटर है थोड़ा फेस नाक ज़्यादा बड़ी हो गई और ये मेरा कॉलेज का वर्क था जब मैं बीए कर रही थी बीए फर्स्ट सेमेस्टर का था ये मेरा मेरे को शेड करनी ही नहीं आई थी इसमें सच्ची बताऊँ तो बिल्कुल भी नहीं आई मुझे इसमें शेड करनी कि कैसे करनी है बस मैंने कर दी कॉलेज ही नहीं खुला था क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था फिर ये भी मैंने कुछ टाइम पहले ट्राई किया बट ये उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना ये वाला कैसा लगा आपको लैंडस्केप बनाया था पेंसिल शेड से बट ये पेड़ यार बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है जैसे भूतिया टाइप का होता है ना इस टाइप का लग रहा है बाकी फिर भी पहले से बेटर है बस थोड़ा यहाँ वर्क करना था जो कि मैंने नहीं किया नेक्स्ट हाँ ये ये है मेरा लॉकडाउन का काम जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था एंड बीच में छोड़ दिया था फिर से तब मैंने उसके बीच में जो ड्राइंग बनाई थी उनका मैंने वीडियोस नहीं बनाया था बट ये मैंने बनाया था क्योंकि मुझे अपना हाथ जो तो हाथ था मुझे वो थोड़ा साफ़ करना था तो इसलिए मैं ट्राई करती रहती थी करती रहती थी एक रैंडम था गूगल से लेके बनाया था फिर ये मैंने और ट्राई किया और ट्राई किया कि हो जाएगा ये भी मेरा लॉकडाउन का वर्क है इतना बेकार नहीं है जितना पहले वाले थे और फिर ये मैंने बनाया था अजय देवगन सर का सिंघम वाले का उनकी मूवी से लेके और ये सनी पाजी लेकिन वही है कि इतना अच्छे से नहीं पता होता था कि कोई मुझे बोले कि नहीं इनकी पगड़ी में शेड देनी है मैंने वाइट छोड़ दिया बहुत सारी कमियाँ थी ये फिर मैंने बनाया था मेरा एक फ्रेंड है उसका बनाया था बट उसे अच्छा लगा था कि अच्छा है ठीक है अच्छा था लेकिन अभी बहुत काम हो सकता है इसमें अभी दिखाते हैं हम आपको दूसरे लेवल की अपनी आर्ट सो so, ये मैंने पैन वर्क किया था ये मेरा मेरा पहला पेन वर्क था जो मैंने यूज़ किया था नॉर्मल पेन था बस उठाया और ड्रॉ किया और बनाने लगी लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से निकल गया था ये जो वर्क था इसको करने में मुझे बहुत टाइम लगा था पहले पेन कहीं और चलाती थी फिर यहाँ शेड करती थी कहीं और चलाती थी फिर यहाँ शेड करती थी बट अभी मुझसे कोई पूछेगा यहाँ थ्रेडिंग में हाँ जो इनकी ये थ्रेडिंग है इसमें और काम होगा और बाकी फिर भी बेटर है ये मैंने बनाया था कभी बनाया था हम लोग उत्तराखंड गए थे भाई के घूमने भाई जब उत्तराखंड में जॉब करता था ये मैंने वहाँ बनाया था पहाड़ों पर मैं अपना सारा सामान लेके गई थी कलर फाइल सब कुछ बट हाँ मुझे ये अच्छा लगा बिकॉज मुझे ना कलर करने नहीं आते थे ऐसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था फिर भी इतना बुरा नहीं बना था अच्छा बना था ये मैंने बनाया था ट्रिकेट इंसान जी का जो कि बिल्कुल भी उनके जैसे नहीं लग रहे नेक्स्ट ये पता नहीं मैंने क्यों बनाया और मुझे इतना भी नहीं पता था कि यहाँ कभी आउटलाइन नहीं होती है वो भी ब्लैक से आउटलाइन दे के रखे है सेम काम मैंने पे करके रखा है कभी भी ब्लैक से आउटलाइन नहीं देते और मैंने वो ही गलती करके रखी है फिर ये बनाया था मैंने ऐसी मिनट ये ये मुझे अच्छा लगता है से हाथ है और ये पूरा अर्थ है जुपीटर वगैरह सब है इसमें फिर ये बनाया था मैंने मुझे इसे देख के बहुत हंसी भी आती है और बहुत अच्छा भी लगता है बिकॉज इसमें मुझे डिटेलिंग यहाँ यहाँ और ये सब बहुत अच्छा लगा था नेक्स्ट ये मैंने जोकर बनाया था मूवी देखने के बाद जोकर ये मेरा लॉकडाउन से पहले का वर्क नहीं 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 लॉकडाउन के लॉकडाउन के पीरियड का ही टाइम का है ये मैंने तब बनाया था या पानी गिर गया था तो वो खराब हो गया और ये मेरे बीए का वर्क है बट मैंने इसीलिए दिखाने के लिए आपको रखा है कि मैं को अगर अभी बोल लेंगे बनाने के लिए तो मैं आउटलाइन नहीं दूंगी जो कि मैंने इसमें करके रखा है आउटलाइन देके रखी है आउटलाइन नहीं देनी होती ये लाइफ स्टिल लाइफ बोलते हैं तो इसमें आउटलाइन नहीं होती यार सेम इसमें कर रखा है इसमें भी आउटलाइन देखे रखी है स्टिल लाइफ है ये भी बट मुझे ना इसका ये अच्छा लगता है लैम्प बहुत अच्छा लगता है मुझे ये और इसकी बोटल भी बहुत अच्छी लगती है तो so, अब दिखाते हैं दूसरी वाली मेरा वर्क है मैंने फ्री हैंड यूज़ किया था इसमें फ्री हैंड पैन वर्क का यूज़ किया था नॉर्मल पेन था बट अच्छा लग रहा है ना फिर सेकेंड ये है एक यूट्यूबर अभी आप लोग बोलोगे कि फ़ेस इतना और ये नीचे इतना बड़ा हाँ यार मुझे भी लगता है थोड़ा फ़ेस इतना होना चाहिए था ये मैंने फर्स्ट टाइम चारकोल स्टिक का यूज़ करके बनाया था अभी शिवरात्रि पे और मुझे नहीं आता लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया और नॉर्मल सीधा चारकोल उठाया और स्टिक उठाई और ऐसे 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 करना शुरू कर दिया अच्छा लग रहा है ना ये मेरा यूट्यूब की सेकेंड नहीं थर्ड वीडियो है जो मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था ये मेरी थर्ड वीडियो है उस पर ये ए आर रहमान सर का पता नहीं कैसे यार बेवकूफ़ी बेवकूफ़ ही थी मैं जो पेपर था नहीं ये कलर वाला और इसी पे बना दिया लेकिन अच्छा बना था ये नहीं सोचा था कि ऐसा बन जाएगा अच्छा लगा और ये भाई लास्ट मैं इसमें क्या बोलूँ इसमें मैं ये मैंने नेल पेंट से बनाया कोई गैस कर सकता है कि नेल पेंट का बना हुआ है जिसका बनाया वो एक यूट्यूबर है इंस्टाग्राम पे है बहुत अच्छा लगा उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था मतलब वो शॉक्ड थे, थे कि नेल पेंट से कैसे बनाया यार कैसे बनाया उन्होंने मेरी फुल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे चलाई थी नेक्स्ट ये है सिद्धू मूसेवाला उनकी डेथ के बाद ये मैंने बनाया था ये मयूर गेमिंग सर है यूट्यूबर है ये उनकी बेटी है ये वाइफ है और ये मयूर सर है पहली बात तो ये कि मुझे इतना छोटा फेस कभी बनाना आया ही नहीं मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था आपने जितने भी मेरे आर्ट वर्क देखे होंगे उसमें किसी में भी छोटा फ़ेस नहीं है ये पहला आर्ट वर्क है मेरा जिसमें छोटा फेस है मुझे इतना ज़्यादा वर्क करना पड़ा क्योंकि मुझे नहीं आता था ये बनाना छोटे उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इसमें हाँ ये मेरा कब का है आई थिंक एक आज से डेढ़ साल पहले का है मुझे नहीं आता था ये पता नहीं कैसे बन गया मेरे से इट्स अ मैजिक पोर्ट्रेट ना मेरे लिए तो मैजिक ही था क्योंकि मुझे नहीं आता था फिर भी इतना अच्छा बना इसमें डिटेलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है और जिसको भी मैं दिखाती हूँ ना वो यही बोलता है कि इसमें डिटेलिंग बहुत अच्छी है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बिग बिग नेक्स्ट ये है टीबोनजर का यूट्यूबर है उनका बनाया था मैंने मुझे इसमें कोई कमी नहीं लगती अपनी तरफ से तो मुझे कोई नहीं लगती बस थोड़ा हाफ फोर हेड पे लगता है बाकी सब ठीक है ये अंकिता मैम का बनाया था पेपर था नहीं बस उसी जो पेपर था उसी पे बना दिया पेपर की इतनी नॉलेज नहीं थी मुझे नेक्स्ट ये मैंने साबुन से बनाया था मैम का, साक्षी मैम का साबुन से बनाया था निरमा साबुन का यूज करके स्प्रे करके रखा है फिर भी हल्का हल्का निकलता है ब्लू ब्लू शेड से निकलती है ना ज्यादा इसमें पता है क्या ज्यादा मेरे को साबुन की ना इसमें चार पांच लेयर यूज करनी पड़ी थी तब जाके ये कलर आया है अदरवाइज इस पर कलर ही नहीं आ रहा था ये मैंने बेबी गौतम बुद्ध बनाए थे ये वैसे कैनवास है तो मैंने इस पर बनाए थे ये थोड़ा फैल गया है यहाँ से और अभी जो मैंने रिसेंट में अपना वर्क बनाया है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है दिस क्योंकि अभी जाके मेरे को अच्छे से बनाना आया है स्केचिंग पोर्ट्रेट कि कहाँ यूज़ करना है डार्क का कहाँ लाइट का तो ये मेरा अभी रीसेंट वाला वर्क है और रीसेंट वाला ही वर्क है मेरा ये बट मेरे पास ना कुछ ऐसी इरेजर नहीं थी लाइक like मोनोटोम्बो तो मैंने उसके लिए वाइट एक्रेलिक का यूज़ किया है ये नहीं ये इरेजर से ही किया है बट यहाँ पे इनकी मूँचे वगैरह बनाने में और यहाँ पे मैंने एक्रेलिक का यूज़ किया है और ये मैंने पेन का यूज़ करके बनाया अभी और स्किन ये मैंने एक्रेलिक नहीं 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 ये मैंने कौन से आर्ट कुछ करके कलर थे ये मैंने पोस्टर कलर है नॉर्मली पोस्टर कलर है उनका यूज करके बनाया है मुझे नहीं आता बट मैंने ट्राई किया है और एक मैंने ये बनाया है दिस ये मेरे एक सर उनका बनाया है और कुछ ये मेरी इमेजिनेशन वर्क है जो मैंने इमेजिन किया मैंने बना दिया सो so, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है वो मेरा वर्क ये है राका सर का यूट्यूबर है एक मेरे फेवरेट है तो उनका बनाया था ये उनको बहुत पसंद आया था तो बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं के लिए इतनी ही दिखाई है बाकी फिर कभी दिखाएंगे ये जो मेरी मेन मेन थी मैंने आप लोगों को वो दिखा दी इसके अलावा और भी है बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी उसको ज़्यादा लंबा नहीं करते फिर कभी सेकेंड पार्ट लेके आ जाएंगे यहीं भी एंड करते हैं तो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट कर देना ना भी पसंद आई हो तो कमेंट करके बता देना कि ये नहीं ये ऐसे होना चाहिए था ये ऐसे होना चाहिए था और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत बोलना चैनल को सब्सक्राइब कर देना शुरू में भी बोलना लास्ट में भी बोल रही हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग